नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। तो आज हम ये डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, ये 30 वैट का डिसोल्डरिंग शोल्डर है दोस्तों। तो ये देखिए, ये इसका मॉडल है और ये 220 से लेकर 240 वोल्ट तक इसके AC इनपुट है दोस्तों। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ चूहे ने ऐसे काट दिया है इस कागज़ को, तो कोई बात नहीं, अंदर तो कुछ डैमेज नहीं दिख रहा है मेरे को। तो चलिए खोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये डिसोल्डरिंग आयरन है, तो इसके साथ में ये पिन भी आ चुकी है। तो इसकी जो ग्रिपिंग है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है ये देखिए। और इसे हम दोस्तों सोल्डरिंग भी कर सकते हैं और डिसोल्डरिंग भी कर सकते हैं। और इसकी वायर की क्वालिटी है, वो वायर की क्वालिटी भी अच्छी है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले इसका जो ये टिप है, ये मैं खोल कर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इससे कुछ इस तरह से हम खोल सकते हैं ये देखिए, और इसे बहुत ही आसानी से लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसका वैक्यूम चेक करना है कि कहीं से ये लीकेज तो नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है कि हाथ में कुछ इस तरह से हमें इसे ट्रिगर को दबाकर चेक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारी जो एयर है वो कहीं से लीकेज नहीं हो रही है। तो ये देखिए, नेक्स्ट मैं छोड़ता हूँ तो ये हमारा पंप ऊपर चला गया ये देखिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इसकी लीकेज चेक कर सकते हैं। और ये जो पिन है, हम इसके ज़रिए अंदर फंसा हुआ शोल्डरिंग वेस्ट मटेरियल, शोल्डरिंग का जो मटेरियल है, उसे हम निकाल कर कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे ऑन कर कर दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसे एक बार प्लग में लगाता हूँ। तो इसे मैंने दोस्तों लगा दिया है, अब इसे थोड़ी देर हम गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा गर्म होना शुरू हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें से अभी धुआं निकलना शुरू हो गया है, और हम इस शोल्डरिंग तार की मदद से ये देखिए इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये पिघलनी शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम इसे इस PCB पर टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये DTH का पावर सप्लाई है, तो जो इसके जो ये बड़े वाले पॉइंट है, इसको हम निकाल कर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस ट्रिगर को दबाना है। ये देखिए, फर्स्ट टाइम में दोस्तों धुआं निकलेगा, डरने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद में ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें थोड़ा प्रेस कर कर ट्रिगर को दबा देना है। तो ये देखिए दोस्तों, एक ही बारी में इसने ये देखिए बहुत अच्छा निकला है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैं जूम कर कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से इसने इस शोल्डर को डिसोल्डरिंग कर लिया है। तो अब हम इसी के जरिए दोस्तों इसे शोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो किस तरह करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इसी के जरिए हमने कितनी आसानी से इसे शोल्डरिंग भी कर दिया है, और देखिए कितना अच्छा शोल्डर भी हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं दोबारा से इसे निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये डिसोल्डरिंग कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक ही बारी में ये सारा शोल्डर निकाल रहा है ये देखिए। और हम इसके जरिए शोल्डरिंग भी कर सकते हैं ये देखिए। तो कुछ इस तरह से हम दोस्तों डिसोल्डरिंग की मदद से शोल्डर और डिसोल्ड कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।